आप देख रहे हैं समय न्यूज, आवाम की आवाज। गरीब कल्याण जनसभा योजना आज जा रहा गांव में मोदी जी के 8 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष में गरीब कल्याण जनसभा योजना का आयोजन जरहा गांव में किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह केसा के साथ विगत भाजपाई नेता शामिल हुए। इस कार्यक्रम में 11 गांव क्षेत्र के अलावा दूसरे जिले से हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री चाउर वाले बाबा रमन सिंह को देखते ही लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कार्यक्रम में पूर्व सांसद लखनलाल साहू, सांसद अरुण साहू, खाद्य मंत्री पुन्नूलाल मोहिले, पूर्व शिक्षा मंत्री केदार कश्यप आदि शामिल हुए। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री सहित अन्य भाजपाई नेताओं का भव्य स्वागत किया गया। साथ ही वर्तमान सरकार को जमकर कोसते हुए भूपेश बघेल को लबरा सरकार बोला गया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार सभी को मूर्ख बनाने का काम कर रही है, सभी को ठगने का काम कर रही है। युवाओं को कहा गया कि उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी पर आज तक नहीं दी गई। किसानों से किया वादा आज तक पूरा नहीं किया गया। हमारी माताओं से वादा किया गया था कि शराबबंदी की जाएगी पर गंगा जल की कसम खाकर भी आज तक शराब बंद नहीं की गई। निश्चय ही यह बात वर्तमान कांग्रेस सरकार की कमजोरी को दर्शाता है। 8 साल सुशासन के लिए समर्पित, ये 8 साल गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहे। याद कर लो वो 2014 के समय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बने के पहले देश में चारों तरफ निराशा के वातावरण, हताशा के वातावरण, आए दिन घोटाला, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अलगाववाद, नाना प्रकार के इस देश में संकट खड़ा हुआ। नीचे देश के आर्थिक व्यवस्था चौपट हो गए, नीचे देश में कोई विकास के काम नहीं हो सकते। और देश के प्रधानमंत्री मनमोहन, लेकिन 8 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये 8 साल में आज गरीब कल्याण के अलग अलग योजना के कारण, चाहे वो शौचालय निर्माण के मामला हो, उज्ज्वला के, कांग्रेस के लोग आज जिस तरीके से पूरे प्रदेश को घूमने का काम कर रहे हैं, और मैं तो अभी आते आते पढ़ रहा था, हल्ला बहुत हो रहा है भाई, कांग्रेस के जो उनका युद्ध में गया उस युवा कांग्रेस उनका बिल्ली तक करते हैं, उस पर करते हैं फार मारा गया, उनके बिल्ली का भी नाम बढ़ाया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि किसी पार्टी में खुद का बिल्ली को भी सदस्यता मिल रही है। मैंने पूछा क्यों, तो पता चला वहां पालतू कुत्तों की कमी हो गई है, भोगने वाले कुत्ते चाहिए, पालतू कुत्ते चाहिए, इसलिए वो बताते हैं उनके बिल्लियों की आते हैं वो है। जितना भी वादा करने से जनता के सामने, महिला मन के, युवा मन के सामने, किसान मन के सामने, आज अभी बताते हैं सांसद महोदय अरुण साहब जी कि 2500 के धोखा है, छलावा है, 2500 रुपया के छलावा, ये वजह से है कि 490 रुपया, 490 करोड़ आखिरी किस्त में काटने से भूपेश बघेल, बोरा के 50 रुपया उन्हें अलग करके, धान के लगभग 10% कम हो गए, किसान उनके लिए जो पैसा 5-4 किस्त में देते उगर ब्याज नहीं दी हिसाब जाए किसान के पैसा के, तो 250-300 रुपया उगर ब्याज के पैसा होते, और खाद जो जैविक खाद के रूप में वर्मी कंपोस्ट खरीदे तो उनमें 400 रुपया की काटा मारा थे, यानी तो 700 रुपये चले गए, 1800 रुपये से ज्यादा किसान लगेंगे। मुंगेली जिला ब्यूरो, शील पाठक की रिपोर्ट।